दोस्तों आज भारत की तीनों सेनाओं को एक ऐसे ड्रोन की आवश्यकता है जो कि वाकई में भारत की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, एडवांस हो, स्टेल्थ हो, दुश्मन की एरिया में घुसकर दुश्मन पर हमला करके वापस भी चला आए और दुश्मन को पता भी न चले। आप लोगों को पता होगा कि तुर्की TB2 जैसे ड्रोनों को पाकिस्तान को बेच देता है, पाकिस्तान को दे देता है और भारत के लिए ये सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। इसी को देखते हुए दोस्तों हमारी ADA और DRDO मिलकर कुछ ऐसे ड्रोन बना रही है जो कि काफी एडवांस और आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से है, जैसे कि स्विफ्ट और ऑरा। लेकिन दोस्तों ये जो सरकारी कंपनियां ड्रोन बना रही है ये काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं बनने में, इनको बनने में अभी भी काफी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में देखा जाएगा तो प्राइवेट कंपनियां भी बाहर निकल के आई हैं जो कि एडवांस से एडवांस ड्रोन बना रही है और एक ड्रोन बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आया, हमारे ही देश में नहीं बल्कि विदेशों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया भारत का ये ड्रोन और भारत की प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। और वाकई में दोस्तों इस ड्रोन को लेकर भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। आज की इस वीडियो में इस ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पे बताने वाले हैं कि भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस ड्रोन को भारत की एक प्राइवेट कंपनी बना रही है। प्राइवेट कंपनी का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक बात तो जरूर आ गई होगी कि ये ड्रोन भारत को जल्द से जल्द मिल जाएगा और भारत इस ड्रोन को दुनिया को बेचेगा भी। अब कैसे, देखिए दोस्तों अभी जो कि डिफेंस एक्सपो हुआ था उस डिफेंस एक्सपो में हमें एक ड्रोन दिखाया गया था और ये ड्रोन वाकई में बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में था। भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे न्यूज चैनलों ने इस ड्रोन को कवर किया था, इसकी न्यूज को दिखाया था। ये था भारत की एक प्राइवेट कंपनी गरुड़ा एरो स्पेस का ड्रोन जिसका नाम सात वज्र दिया गया है। हालांकि यहाँ पे नाम अभी कंफर्म नहीं किया गया है लेकिन वज्र नाम से काफी लोग इसे पुकारते हैं। ये जो ड्रोन है वाकई में स्विफ्ट के जैसा ही बनाया जा रहा है, हमारा जो स्विफ्ट UAV है उसी की तरीके से ये ड्रोन बनाया जा रहा है और वाकई में दोस्तों इसका मॉडल देख के ऐसा बिल्कुल लगा कि काफी ज्यादा एडवांस स्टेल्थ और आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से तैयार किया गया है। दोस्तों दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस ड्रोन को पसंद किया और गरुड़ा एरो स्पेस को इसे बनाने के लिए कहा। उसके बाद दोस्तों अभी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है वज्र ड्रोन को लेके, जहाँ पे दोस्तों गरुड़ा एरो स्पेस ने $5 बिलियन की फंडिंग जुटा ली है इस ड्रोन को बनाने के लिए। यानी कि दोस्तों अब इस ड्रोन को बनाने के लिए गरुड़ा एरो स्पेस के पास काफी हद तक पैसा हो चुका है और इसके अलावा दोस्तों गरुड़ा एरो स्पेस ने इजराइल की एल्विस सिस्टम और अमेरिका की लॉकेट मार्टिन से लॉन्ग टाइम के लिए समझौता भी कर लिया है। यानी कि इस ड्रोन को बनाने में अमेरिका की एल्विस सिस्टम और इजराइल की एल्विस सिस्टम और अमेरिका की लॉकेट मार्टिन दोनों साथ में रहेंगी और भारत बहुत ही जल्द से जल्द इस ड्रोन को तैयार कर लेगा। सेना में शामिल होने के बाद दोस्तों वाकई में जैसा तुर्की का TB2 ड्रोन करता है वही कारनामा, हो सकता है उससे भी अच्छा कारनामा ये ड्रोन करके दिखाए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आज के समय में जितने भी युद्ध लड़े जा रहे हैं वो फाइटर जेट से कम बल्कि ड्रोन से ज्यादा लड़े जा रहे हैं। यानी कि आपके पास अगर एक कोई स्टेल्थ ड्रोन है तो आप दुश्मन के एरिया में ताबड़तोड़ बमबारी कीजिए, दुश्मन के एरिया को तबाह कर दीजिए और वापस अपने देश फिर से आ जाइए। अगर कोई ड्रोन बेकार भी जाता है यानी कि दुश्मन की मिसाइलों के द्वारा मारा भी जाता है तो भारत को उतना नुकसान नहीं होगा या फिर किसी भी देश को उतना नुकसान नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों ड्रोन काफी अहम भूमिका निभाएंगे फ्यूचर के वार में। आप लोगों को क्या मानना है गरुड़ा एरो स्पेस के इस एडवांस UAV ड्रोन के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने राय जरूर दीजिए।